हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम भारतर संविधान संपर्क आलोचना करिबा। प्रीएम्बल बा प्रस्तावना। भारतर संविधान को पृथ्वीर बृहत्तम संविधान मान्यता दिया जाइछि। पृथ्वीर जिते सब संविधान रही भारतर संविधान होउछि से समस्त मध्यरु बृहत्तर। ए संविधान समस्त अंतर्निहित लक्ष्य और उद्देश्य यह प्रस्तावन कौन है ना प्रतिफलित होइछि। संविधानर कौन रही लक्ष्य कौन रही उद्देश्य से समस्त आम प्रस्तावन ही देखा मिलता है। प्रीएम्बल ओडिया हूँ कौन ना प्रस्तावना। यही प्रस्तावना होछि आम संविधानर प्रकृत मुखबंध। आम संविधानर प्रकृत मुखबंध केउथरे देखा मिलता है ना प्रस्तावन देखा मिलता है। प्रस्तावना होछि सेतरे कौन दर्शा जाइछि ना आम भारतर जनसाधारण भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव गठन करिबा पाई एवं एहार समस्त नागरिकंकु सामाजिक अर्थनैतिक और राजनीतिक न्याय विचार चिंता अभिव्यक्ति मत विश्वास एवं उपासनार स्वाधीनता समान स्थिति और सुजोगर अधिकारी कराइबा एवं समस्तंक मध्यरे व्यक्तिर मर्यादा सहित जातीय ऐक्य एवं संहति प्रष्टिकारी मैत्रीर विकास निमन्ते पवित्र तथा दृढ़ संकल्पबद्ध होई आम्भमानंकर एही शासन विधायक सभारे अद्य 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 दिन एतद्वारा एही संविधान अवलम्बन और प्रणयन कलु एवं आम्भमानंक ठारे ताहा अर्पण कलु। यह हूँ कौन ना यह हूँ संविधानर मुखबंध। यह हूँ कौन प्रस्तावना। यह हूँ प्रीएम्बल ओडिया दर्शा जाए इंग्लीश रे दर्शा जाए। यो संविधान आम पाठ कले एनोटी कथा स्पष्ट प्रथम टी हूँ संविधानर मूल उत्स आधार संपर्क आम ए जापर। दुईरे हेउछि संविधानर लक्ष्य कौन तार उद्देश्य कौन तार विवरणी मध्य आमे प्रस्तावनारु जानी परिबा। तीन नंबर कथा हेउछि एहा गृहीत हेबार तिथि बा तारीख। एहा केबे गृहीत होइतिला से तिथि बा तारीख मध्य एथे दर्शा जाइछि ताहा मध्य आमे एठारु जानी परिबा। प्रस्तावनार आरंभ रे कहा जाइछि वी द पीपल ऑफ इंडिया। एथेरे कौन सूचा जाइछि ना आम संविधान रे भारत जनसाधारण को विशेष भाव प्राधान्य दिया जाइछि। जनसाधारण को पाखरे ही चरम क्षमता रहिछि। जनसाधारण को इच्छा रु ए संविधान रो सृष्टि सेथि पय आरंभ करा जाइछि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जनसाधारण को नाम रे संविधान प्रणयन टी करा जाइछि। जनसाधारण को नाम रे आमे संविधान चले। बेले बेले प्रश्न आसे जे आम संविधान सभा कौन प्रकृतरे भारतीय जनसाधारण प्रतिनिधित्व करिपारिथिला। ए जो प्रश्नटी एहा संविधान सभार भितरे ओ बाहरे मध्य उठिथिला। जे परिस्थिति रे ए जो संविधान सभा बसिथिला ताकु जदि आमे अनुध्यान कर देखिबा ताहाले 1946 मसीहा रे सा बालक भोट प्रथा माध्यम रे एभली एक सभा गठन करिबा सेतबेले देश रे आदो संभव पर नथिला। 1946 मसीहा बेले सा बालक भोट प्रथा माध्यम रे एपरि एक जो सभा गठन करिबा पई सेतबेले संपूर्ण अवास्तव थिला जे एपरि एक सभा गठन होई परिबो कि नाही। भारत बर्षर कौनसी अंचल रो अधिवासी माने सा बालक भोट प्रथा संपर्क रे से संपर्क रे केही जानि नथिले तांकर अभिज्ञता नथिला। संविधान सभा गठन करने सेत कौन करा समग्र देश में सा बालक भोट प्रथा अनुसार एक भोटर तालिका प्रस्तुत करा करते जो तालिका प्रस्तुत करी निर्वाचन करने से माने अनेक वर्ष लगी था जदि से भाव करा करता जे समस्ते सा बालक भोट प्रथा अनुसार भोटर तालिका प्रस्तुत करता तापर निर्वाचन करने जोबले अपेक्षा करते से समय कौन होता बहुत वर्ष लगी था तेणु कौन करागला ना संविधान गठन करने निर्वाचन करने पर्यंत अपेक्षा नक अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा गठन करने
कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव देले ताकू आमे ग्रहण करिबा। 1949 मसीहा संविधान गठन सभारे डॉक्टर आंबेडकर जहाँ कही थिले से समस्त सभ्य माने मध्य से कथाटी को एकमत होइथिले। डॉक्टर आंबेडकर कौन कही थिले ना ए सभार प्रत्येक सभांक इच्छा अनुसार यही संविधान मूल आधार होउछि जनसाधारण एवं यार सत्ता एवं सार्वभौमत जनसाधारण ठाळो मिलिछि। सेतिपई जनसाधारण वी द पीपल सेतिपई कह जति वी द पीपल ऑफ इंडिया मूल आधार होउछि कोन ना जनसाधारण। ए संविधान प्रस्ताव रे प्रथमे भारत को सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में घोषणा करा गला। मने रखी था प्रथमे भारत को सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में घोषणा करा जाई थिला। 1976 मसीह संविधान जितेबले 42वां संशोधन आईन से अनुसार एथसहित कौन जोड़ी है ना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द यही दुईटी नूतन शब्द एथिरे अंतर्भुक्त करा जाइछि एथिरे जोड़ा जाइछि। क्यों समय रे ना 1976 मसीहार संविधान 42वां संशोधन आईन अनुसार पूर्वरु सार्वभौम गणतांत्रिक साधारण राष्ट्र भाव घोषणा करा जाइथिला। भारत हेउछि कोन ना गोटे सार्वभौम राष्ट्र यार कारण कौन ना यह कौन बाह्य देश बा शक्तिर चाप बा नियंत्रण रु केबेले संपूर्ण मुक्त नुहे। देशर आभ्यंतरीण आउ रही जो वैदेशिक व्यापार से नीति निर्धारण रे यह संपूर्ण भाव स्वाधीन क्षमतार अधिकारी। भारत हेउछि एक गणराज्य हिसाब से तार समस्त सार्वभौमत्व को हासिल करबा परे मध्य मिलित राज्य गोष्ठीर सदस्य होइ रहिछि। भारत को जितेबले गणराज्य हिसाब से तार समस्त प्रकार सार्वभौमत्व को से हासिल करिछे किंतु से मिलित राज्य गोष्ठीर सदस्य होइकि रहिछे। जदिओ इंग्लैंड राणी को मिलित राज्य गोष्ठीर प्रतीकात्मक मुख्य भाव ग्रहण कराए यह भारत सार्वभौम क्षमता को कौन सी प्रकार यह प्रभावित व प्रतिहत करे नहीं। ये हूँ कौन ना भारत गोटे सार्वभौम राष्ट्र। वर्तमान देखा जे भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतांत्रिक कहिले कौन ना देशर शासन भार परिचालना करिबा पाई जनगणक द्वारा निर्वाचित दायित्व संपन्न लोक प्रतिनिधिमूलक सरकार को बुझा जाए। एक नंबर विशिष्ट प्रश्न आसीपे गणतांत्रिक कहिले कौन ना भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतांत्रिक कहिले कौन ना देशर शासन भार को जितेबले परिचालना करिबा पाई जनगणक द्वारा कहा द्वारा ना जनगणक द्वारा निर्वाचित दायित्व संपन्न जो लोक प्रतिनिधिमूलक सरकार ताकू ही बुझा जाए गणतांत्रिक। यही शासन पद्धति रे जो मैंने राज्य को शासन करती से माने लोक मान द्वारा से मानकर प्रतिनिधि भाव निर्वाचित हमें लोक मैंने ही से कौन करते निर्वाचित करती लोक मान से उत्तरदायी रहती। साधारण प्रस्तावन भारत को एक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव स्वीकृति दि जाएगी। साधारणतंत्र राष्ट्र होणसी एक नागरिक जो मैंने कि राष्ट्रपति भाव में 5 वर्ष निर्वाचित हो राष्ट्र मुख्य हूँ केते वर्ष ना 5 वर्ष जेहेतु भारत एक साधारणतंत्र राष्ट्र से ही कारण जो नागरिक मैंने राष्ट्रपति भाव 5 वर्ष से माने निर्वाचित होकर राष्ट्रर मुख्य भाव कार्य करते। भारत में समाजवाद कहिले गणतांत्रिक समाजवाद अर्थरे यहाँ ग्रहण करा जाए। यार मुख्य उद्देश्य कौन रही ना देशर अर्थनैतिक वैषम्य समानता आणवा देशर अर्थनैतिक वैषम्य किपर भाव समानता आणवा ता मुख्य उद्देश्य। भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एठारे राष्ट्र धर्म बोली किछि नै किंतु भारत हेउछि गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्म एवं उपासना क्षेत्र रे लोक मानंकु संपूर्ण भाव रे स्वाधीनता प्रदान करा जाइछि। कोनोसी धर्म क्षेत्र रे उपासना क्षेत्र रे समस्तंकु कोन करा जाइछि काहाकु प्रतिबंधक करा जाय नै समस्तंकु स्वाधीनता प्रदान करा जाइछि। निजर रुचि अनुसार
लोक माने निज धर्म को से माने जे कोनोसी धर्म को ग्रहण करि परिबे बा जे कोनोसी धर्म को से माने छाड़ी परिबे तिने कोनोसी प्रतिबंधक नाही समस्त को स्वाधीनता प्रदान करा जाय छे। भारतीय गणराज्य रो उद्देश्य को प्रस्तावना राहुरी स्पष्ट कर दिया जाय छे। तार उद्देश्य कौन चारि गोटी उद्देश्य रही न्याय स्वाधीनता साम्य एवं मैत्री। व्यक्तिगत आचरण द्वारा सर्वसाधारण हित साधन होउची न्यायर मूल तत्व। मन रखी था न्यायर मूल तत्व कौन रही ना व्यक्तिगत आचरण द्वारा जितेबले समस्त हित साधन हेबो ताहाई होउची न्यायर मूल तत्व। पुणी एठारे कहा जाइछि जे भारतीय जनसाधारण को सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में मध्य न्याय विचार करने पर प्रस्तावना घोषणा करा जाइछि। एठारे स्वाधीनतार अर्थ नकारात्मक नुहे सकारात्मक अर्थ व्यवहार करा जाइछि। स्वाधीनता को एठारे नकारात्मक कहा जाए ना एठारे सकारात्मक अर्थ व्यवहार करा जाइछि। एथिरे व्यक्तिर स्वेच्छाचारिता रही तथापि यार प्रयोग होची कौन ना गठनमूलक दिगरे सामाजिक अवस्था और परिस्थिति अनुसार व्यक्ति को तार जो विचारधारा और कार्य करने स्वाधीनता प्रदान करा अर्थ यहाद्वारा कौन ना व्यक्तिर स्वातंत्र्य उपरु अजथा जो कटकणा माने रही किपरि भाबरे दूर करा जिबो व्यक्तिर पूर्णांग व्यक्तित्व किपरि भाबरे विकास घटिबो से दिगरे विभिन्न परिस्थिति गुड़िक विभिन्न अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करा जाउछि। जे व्यक्तिर अजथा कटकणा को जो रही दूरीभूत करा जिबो व्यक्तिर व्यक्तित्व किपरि भाबरे पूर्णांग भाबरे गठित हेबो सेथिप्रति अधिक गुरुत्व प्रदान करा जिबो। स्वाधीनता और समानता होचंती कोन ना परस्परर परिपूरक परस्परर परिपूरणकारी। समतार अर्थ नुहे जे प्रत्येक लोक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि समान। प्रस्तावना रे कौन घोषित होइछि समानतार समतार अर्थ कहिले राष्ट्र रे प्रत्येक व्यक्ति को तार अंतर्निहित शक्ति सामर्थ्य और कार्यक्षमतार विकास लागि समान सुजोग मिलबा उचित। समता जदि आम कह समता हूँ प्रत्येक लोक शारीरिक और मानसिक दृष्टि सामान होते एक कथा नुहे समतार अर्थ यह नुहे। प्रस्तावना कौन घोषित होना समतार अर्थ हो राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को तार जो अंतर्निहित शक्ति सामर्थ्य रही तार कार्य कर क्षमता रही तार निजर कार्यक्षमतार विकास करने लगी समान सुजोग मिलवा आवश्यक समस्त को यह ही हूँ समता। परिशेष पुणी प्रस्तावना कौन कह भ्रतृत्व बा मैत्री फ्राटर्निटी। भ्रतृत्व बा मैत्री कहले कौन ना भारत गोटे बहुभाषा जाति धर्म वर्ण और संप्रदायर हूँ विशाल देश। राष्ट्रर एकता एवं संहति केवल पारस्परिक बुझामणा सद्भाव मैत्री बा भ्रातृत्व द्वारा एठारे रक्षा करिबा संभव। भारतीय संविधान जो प्रस्ताव को आम जब आलोचना करिबा ताहले विश्वर जे कोनोसी प्रस्ताव प्रस्तावना ठारु एहा होची कौन सर्व ऊर्ध्वरे रहिची एवं बृहत्तर मध्य। संविधानर सभारे जनैक सभ्य पंडित ठाकुर दास भार्गव कहिथिले प्रस्तावना हेउची संविधानर अति मूल्यवान अंश। गोटे संविधानर अति मूल्यवान अंश हेउची कोन ना प्रस्तावना एहा हेउची संविधानर चाबिकाठी एहा संविधानर पुणी आत्मा एहा संविधानर गळारे लंबीथिबा एक मुक्तार हार सदृश। संविधानर चाबिकाठी हेउची कि ना प्रस्तावना संविधानर आत्मा मध्य होउची ए प्रस्तावना बा प्रियम्बल। एठी गोटे प्रश्न रही संविधानर प्रस्तावना कौन संविधानर एक अंश विशेष ए जो प्रश्नटी ए प्रश्न को नहीं विभिन्न बिवाद मध्य होइछि। भारतर उच्चतम न्यायालय मध्य निज निष्पत्ति रे परिवर्तन करिछन्ती ए जो प्रश्नटी को नहीं जे संविधानर प्रस्तावना कौन संविधानर एक अंश विशेष कि नुहे। 1960 उच्चतम न्यायालय ए निष्पत्ति रे कौन परिवर्तन करिछन्ती ना 1960 उच्चतम न्यायालय मत कौन थिला
ना प्रस्तावना संविधान अंश नुहे। किंतु 13 वर्ष परे केशवानंद भारती मामलें उच्चतम न्यायालय प्रस्तावना को संविधान अंश विशेष भाव में ग्रहण करा जाएगी। कारण कौन ना ये संविधान मौलिक रूपरेख वर्णित हो प्रथमे किंतु संविधान प्रस्तावना को संविधान अंश नुहे बोली कहा जाऊला किंतु 1960 किंतु तार 13 वर्ष पर जितेबले केशवानंद भारती मामला है से समय उच्चतम न्यायालय कौन कला तार प्रस्ताव को से परिवर्तन निज निष्पत्ति से कौन करना पर आनी पीछे जे ए संविधान प्रस्तावना रे संविधान रो मौलिक रूपरेख एथिरे वर्णित होइछि। संविधान रो वैशिष्ट्य कौन रहिछि आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा। आजिरो आलोचना टिकु ताहाले आमे एठ शेष करिबा। वर्तमान पर्यंत जेउ माने भिडियो टिकु लाइक करिनहांती लाइक करंतु निज सांग साथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।